आ गया हूँ। और यार कुछ कमी सी लग रही है, दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो सकता है बताइए आप, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरी चश्मा, हाँ आंखें तो कहीं और रख दी यार। यस, तो पहले आंखें पहन लेते हैं, ठीक है? तो यू मोस्ट वेलकम इन दिस चैनल, एंड दिस इज लॉकडाउन पीरियड, एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन दिस चैनल। एंड यू नो आई एम लोकेश सेन। आप लोगों को बहुत कुछ शिकायत रहती है कि सर आप हिंदी बोलने में पैसा लगता है क्या? तो भाई पैसा नहीं लगता, पर हिंदी बोलने में पैसा नहीं मिलता। बिकॉज ये होता क्या है कि हिंदी को सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लोग ही समझते हैं, और फिर पूरा वर्ड तो सुन ही नहीं पाता उसको। ठीक है, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती, आप लोगों की शिकायत रहती, पर जितने लोग कमेंट्स लिखते हैं उनको भी तो इंग्लिश नहीं आती। मतलब वो लोग इंग्लिश में ढंग से कमेंट तो लिखे कम से कम, तो या तो हिंदी में ढंग से हिंदी में लिखे या वो इंग्लिश में ढंग से इंग्लिश में लिखे। ठीक है, ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, मैं आज हिंदी में बोलूंगा, आई डोंट केयर। ठीक है, कौन से यहाँ पर सब्सक्राइबर बढ़ रहा है ना, मैं पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पर बैठा हूँ। दिस इज नॉट माई बिजनेस राइट नाउ, ओके? दिस इज माई पैशन ओनली। सो लुक हियर, हो क्या रहा है अभी ये दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है? मैं ऐसा नहीं हूँ, दाढ़ी बढ़ गई है, और दाढ़ी बढ़ गई है तो शुरू में मुझे अजीब सा लग रहा था, दाढ़ी बढ़ गई है और अब क्या करें। तो मैंने एक ट्रिमर का ऑर्डर कर दिया, जबकि मेरे पास ट्रिमर है ऑलरेडी, बट जहां मैं काम करता हूँ वहीं रह गया, बिकॉज इन इमरजेंसी टाइम आई हैव टू लेफ्ट दैट प्लेस, मुझे वो प्लेस छोड़ना पड़ा। ठीक है, फिर पता नहीं, मुझे नहीं पता मैंने किस टाइप की इंग्लिश बोली, आप हंसिएगा मत, ठीक है? हंसना नहीं चाहिए, मैं हिंदी में बोलूंगा। ठीक है, मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी। ठीक है, मैंने उसे छोड़ा। अब मैंने जो है नए ट्रिमर का ऑर्डर कर दिया, वो भी फिलिप्स का था, अब नया वाला फिलिप्स का मंगाया इस बार थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ और मैं अपने पैसे से ही चीजें मंगाता हूँ, मुझे कोई कहीं से भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, कभी कभार एक आधिक मिल जाती है तो मिल जाती है, ठीक है, वो भी कौन सी, टेम्पर्ड ग्लास और वो सारी चीजें की सारी चीजें। ठीक है, मोबाइल की छोटी मोटी चीजें, तो कोई वो नहीं। अब देखिए मैंने क्या किया, एक ट्रिमर मंगाया है, ये देखिए आपको मैं ट्रिमर को अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। ये एक ट्रिमर आया है, ये ट्रिमर और शेवर दोनों है, ठीक है ना? सबसे अच्छी बात है इसकी, मुझे मतलब जैसा सुनने में आया, आई डोंट नो, बिकॉज अभी तक तो मैंने इसको यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है? और ये मेरा चक्कू है, मतलब सीधा चक्कू बोलते हैं इसको, सब्जी काटने वाला चक्कू। ठीक है, उंगली की लग जाए तो खून निकल आएगा, तो मैं इससे इसको अनबॉक्स करता हूँ। ठीक है, पहले कुछ चीजें आप इसकी समझ लो, मैं पहले एक बार आपके पास आता हूँ। ठीक है, मैं आपको इसकी खास बातें बताता हूँ, देखिए क्या क्या है इसमें। इसमें अगर आप देखोगे, देखिए मैं आपके पास आता हूँ, यहाँ पर आप देखो, अगर मैं आपके पास आऊं इसमें और इसमें आपको मैं बताऊं, तो इसमें है द पावर ऑफ थ्री, थ्री थिंग्स वी हैव हियर। इसमें तीन चीजें हैं, स्टाइल, ट्रिम एंड शेव। ठीक है, वन ब्लेड इसको बोलते हैं। तो स्टाइल के मतलब आप देख रहे हैं, स्टाइल आप रख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल फ्रेंच कट, ट्रिमिंग आप कर सकते हो, ठीक है, शेविंग भी आप कर सकते हो इससे। तो बिना जेल, बिना क्रीम के आप शेविंग कर सकते हो, यानी ड्राई क्रीम, ड्राई यहाँ पर शेविंग की जा सकती है। ठीक है, ये मैंने आज ही ऑर्डर किया है इसको, और आज ही मुझे, सॉरी आज ऑर्डर नहीं किया था, 3 दिन पहले ऑर्डर किया था और मुझे मिल गया। प्राइस जो है इस पर देखिए 2199 लिखा हुआ है, ये मुझे 1945 का पड़ा है, 1945 का, और मुझे जो है आईसीआईसीआई बैंक अमेजन पे की तरफ से थोड़ा सा 5% का और डिस्काउंट मिल गया था। 5% बोले तो लगभग 100 रुपये का और फायदा हो गया, ठीक है ना? तो
100 रुपए का और फायदा हो गया, तो ये 100 रुपए और कम मिल गया, यानी 1845 के आसपास का मुझे पड़ा है। तो 1845 का है। अब इसमें आप देखो हर चीज यहाँ पर ये है, 8 घंटे में चार्ज होता है, ड्यूरेबल वन ब्लेड लास्ट अप टू 4 मंथ्स, ये बोला गया है कि 4 महीने चलती है। मुझे ये पता है, इसका चला है कि ये जो है करीब करीब 32 शेव कर देती है, ठीक है ना, यानी 1 वीक में 2 बार। तो 1 वीक में 2 बार का मतलब ये हो गया 8 बार, तो ये हो गया 8 8 बार हो गया ना 1 महीने में, तो ये हो गया 32 टाइम्स, यानी एक ब्लेड जो है 32 टाइम्स शेविंग कर देगी आपकी, ठीक है। अब 32 टाइम्स शेविंग हो गई, और 2 ब्लेड का पैकेट आता है ये 1500 रुपीज का, यानी 750 रुपए में आपकी 32 शेविंग हो रही है, 32 शेविंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है, सेविंग नहीं कह रहा, शेविंग हो रही है आपके पास। तो आई थिंक दिस इज नॉट सो कॉस्टली, बिकॉज जब हम लोग जब ऑफिस जाने वाले लोग हैं, हम लोगों को बहुत जल्दबाजी होती है और अपने को ये लगता है कि क्लीन शेव हो जाए, तो दिस इज द गुड वन। आप जो है 750 को 32 से डिवाइड कर लो तो लगभग जो है 30 35 रुपए, 35 रुपए के आसपास का खर्चा आता है। 35 रुपए अगर भागा भूगी में आप शेविंग कर रहे हो फटाफट में, तो बिना क्रीम लगाए, तो इट्स गुड, ठीक है। बाकी मैं ये मानता हूँ कि हाँ, जिलेट वगैरह और उन सब के मुकाबले, वो तो जब दाढ़ी बनाएंगे तब पता चलेगा, पर अभी तो मेरा ऐसा मूड नहीं है कि मैं बिल्कुल क्लीन शेव हो जाऊं, ठीक है। 3 क्लिक ऑन ट्रिमिंग कॉम्स, 3 ट्रिमिंग कॉम्स है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। एंड फॉर द परफेक्ट स्टबल, 3 लेंथ्स, 3 लेंथ्स देखिए दे रखी है, अभी मैं बताऊंगा आपको। 1 mm, 3 mm एंड 5 mm के लिए दे रखी है। डेफिनेटली मेरा जैसा आदमी तो अभी 5 mm रखने के ही मूड में है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन परफेक्टली दे रखी है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। ये प्रोडक्ट है, दिस इज द 1 ब्लेड एंड 3 ट्रिमिंग कॉम्स, राइट। ये आपको दे रखा है, 45 मिनट वर्क करेगा। बट सबसे बुरी बात जो है वो क्या है कि इसको जो है 8 आवर्स जो है क्या करना पड़ता है, 8 आवर्स अपने को चार्ज करना पड़ेगा, 8 आवर्स चार्ज करने में लग जाते हैं इसके। और 8 आवर्स में कितना काम करेगा, केवल 45 मिनट। केवल का मतलब तो क्या हुआ, आप समझ सकते हो यार, 45 मिनट में कौन दाढ़ी बनाता है, ठीक है ना। दाढ़ी बनाने में मुश्किल से कितने 15 20 मिनट लगते हैं, तो 45 मिनट तो फालतू की बात है। सपोज करो मैं कल डिसाइड करूंगा और मुझे इसको चार्ज करना है, तो आज ही चार्ज कर लूंगा ना, तो 45 मिनट तो मुझे क्यों चाहिए, पूरे परिवार की थोड़े मुझे दाढ़ी बनानी है या, ठीक है। एक और बात, ये पूरी बॉडी के लिए है, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, रिचार्जेबल बैटरी एंड चार्ज फॉर 8 आवर्स एंड इट्स रेडी फॉर द 45 मिनट्स वेट एंड ड्राइव। IPX यहाँ पर रेटिंग इसकी है, यानी आप शावर में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये खराब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8 आवर्स चार्ज, वेट एंड ड्राई, यानी ड्राई भी शेविंग आप कर सकते हो और वेट वेट शेविंग भी आप कर सकते हो, यानी क्रीम लगा के भी आप इससे शेविंग कर सकते हो। अब मैं इसको एक बार आपके लिए खोल देता हूँ, ठीक है। जस्ट अब इसको खोल देते हैं एक बार, देखिए कितना बढ़िया तरीके से वर्क करेगा वो आप समझिए। ओके, तो अब मेरा चक्कू काम करेगा, देखिए यहाँ पर ये पता नहीं किसी ने टेम्पर करने की कोशिश की होगी, आई डोंट नो, यहाँ तो चक्कू की जगह यही काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ अच्छा लगेगा, मैं भी एक डिजाइनर चक्कू मंगाऊंगा, पर अभी तक तो क्या ऐसे ऐसे ही काम चल जाता है। और ये यहाँ से काटना चाहिए क्या, आप बताओ, मेरे तो फिर उंगली में नहीं लगेगी। यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट वन, ये लो इसको हटा दिया जी, ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं आपके सामने एक एक पीस यहां से निकालूंगा, ठीक है। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, क्या करें, अब छोटे मोटे YouTube के हम लोग वीडियोस बनाते हैं, तो
आपको सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि चीज किस टाइप की है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर हों और इस टाइप का। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता हो तो एक आधे बटन दब जाता है किसी का, इस तरह करके 1000-1 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्यादा नहीं होते। देखिए, पहले तो सबसे पहले इसको तो यहाँ रख देते हैं अपन, है ना। अब रख क्या देते हैं, नीचे रखूंगा, यहाँ रख देता हूँ मैं। थोड़ा सा और दूर, अब ठीक है। यस, द वन मैन आर्मी। ओके, आई एम वन मैन आर्मी एट दिस टाइम। यस, अब देखिए, सबसे पहले तो अब इसकी बारी। ये है वो बॉक्स जिसको मैं चेक करने वाला हूं कि इसके अंदर क्या क्या है। राइट, तो लेट मी चेक व्हाट डज इट हैज। राइट, सो लेट मी चेक व्हाट डज इट हैज। तो इसको ओपन कर लेते हैं। खाली, वाह, गजब, दोगा। देखो भाई, ये है 3 कॉम। तो ये रहे, है ना, 3 कॉम नहीं है, मैं आपको बताता हूं 3 क्या है। ये है 2 कॉम, और इसको मैं यहां रखूं पहले, है ना। ये है ढक्कन, ये कवर करने के लिए है उसको, आप समझ रहे हैं मेरी बात, इसको कवर करने के लिए है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से कवर हो जाएगा। इसको यहीं रख देते हैं। तो ये कवर करने के लिए है, ये 1 कॉम्ब है, ठीक है, और इस पे लिखा हुआ है 3 mm। राइट, लिखा है ना, तो 3 mm की अगर आपको यहाँ पर दाढ़ी रखनी है तो ये इसके लिए है 3 mm। राइट, दिख रहा होगा आपको, मुझे दिख गया था एक बार, ये तो लाइट पे डिपेंड करता है। नहीं, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, है ना। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर ये है 5। यस, माई फेवराइट, दिस इज 5, ठीक है ना। 3 mm तो कुछ भी नहीं होता है यार, क्या दाढ़ी रखेगा कोई। ठीक है, ये हटाओ। अब आ जाते हैं इसके अंदर एक और, ये है एक और, इसके अंदर देखें क्या क्या है। मुझे एक्चुअली बहुत ही गंदी आदत है डब्बे को पूरा लाइट डाल के अंदर तक देखने की, नहीं है भाई कुछ भी नहीं, बेकार हो गया है तो ना। अब आ जाओ इस पे, ये है, ये कागज यार, पता नहीं क्यों लिखे रहते हैं इतने, समझ नहीं आता मेरे को, कोई पढ़ता भी नहीं है इतना, तो मैं खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये है कुछ, है भाई कुछ, ये जो है बताऊं क्या है, क्या है आपको, एक मिनट, ये सेफ्टी इंफॉर्मेशन है। ये मुझे तो किससे पता चला, देखो क्या लिखा है, डेंजर एंड वार्निंग, है ना, बस इतना ही काफी है। फिर दूसरी चीज आ जाती है अपने पास, ये वाली वारंटी, बस काफी है। ठीक है, तो इंटरनेशनल वारंटी सर्टिफिकेट ऑफ परचेज, ठीक है, तो वारंटी सर्टिफिकेट है ये, और शायद 6 मंथ की वार्निंग वारंटी इस पे होगी, आई होप। इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, 2 ईयर्स है, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, देखिए आप एक बार, लिखा है ना, देखिए वारंटी वारंट्स इस प्रोडक्ट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ परचेज। ओके, ये भी रख देते हैं अपन।
ये कुछ है, ये पता नहीं क्यों है, समझ नहीं आई बात, ये समझ नहीं आया क्यों है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे आप क्या करोगे, वो सारी चीजें यहाँ पर है, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर। फिर आ जाती है अपने पास ये साइन अप फॉर द 50% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट वन ब्लेड रिप्लेसमेंट ब्लेड। यानी एक चीज समझ लीजिए, क्या बोला था मैं भी आपको कि 750 की एक और 1500 की दो, अगर आप 4 महीने के अंदर अंदर, सॉरी, साइन अप फॉर द 50%, यानी अगर आप जो है इसको साइन अप कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर श्योर है कि आपको फर्स्ट परचेज पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपको इस साइट पे जाना पड़ेगा, वहां से ही काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो अपने को आधा पैसे ही लगेगा केवल। अब आ जाते हैं असली बात पर। ये है देखिए इसका चार्जर, ये इसका चार्जर फिलिप्स लिखा हुआ है, और ये इसका आउटपुट, ये है इनपुट उधर, और ये इनपुट बोला जाएगा इस यूनिट के लिए, ये इनपुट है इस यूनिट के लिए, राइट। अब मैं इस यूनिट को खोल देता हूँ, ठीक है, अब इस यूनिट को खोल देता हूँ। देखिए भाई, थोड़ा जंगलीपना तो है मेरे अंदर, ठीक है, इसको भी यहाँ रख देते हैं। अब क्या करें, देखिए पूरा का पूरा मैंने इसको किस तरीके से बिखेरा है, ढंग से कोई देखे तो कहे कि हाँ यस। इसे कहते हैं अनबॉक्सिंग, दिस इज द प्योर अनबॉक्सिंग, एब्सोल्युटली प्योर अनबॉक्सिंग। लुक हियर, नाउ वी आर हियर, ओके, सो नाउ दिस इज द वन मोर कॉम्ब। थोड़ा सा इसको तो संभाल के रखूंगा ना, क्योंकि ये रखना तो इसी में। अब देखिए ये किसका है, ये है वन नंबर, रियरली आई विल यूज दिस वन, कभी कभी यूज करूंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ क्लीन शिव शिव जैसा लगे, तो भाई मैं इसको यहां से उठा लेता हूँ, ठीक है। ये लो, और ये इसको भी मैं यहाँ रख देता हूँ। अब देखिए ये है, पता नहीं अभी चलेगी कि नहीं चलेगी, ये देखो। और अच्छी बात ही देखो, ये है ना ऐसे ऐसे हिलती है, देखिए देख रहे हैं आप ऐसे, तो वेरी फ्लेक्सिबल ऑन योर चीक्स, आपके गालों पर बहुत बढ़िया काम करने वाली है एकदम, है ना। थोड़ा सा मैं एक बार चला के देखता हूँ। अरे वाह, चली, देखो कैसे चल रही है, आवाज कर रही है ना, देखो आवाज तो मैं यहां से बताऊंगा आपको, आई तो ये ना एक्चुअली देखो कैसे कैसे काम करती है, मैं आपको बताता हूँ। ये दो रेजर्स हैं ऊपर नीचे, ये एक दूसरे पर रगड़ते हैं, फिसलते हैं, और फिर एक दूसरे ये बाल काट देते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ देखो ये ना, ये रबर की यहाँ पर फिनिशिंग है, जब ये चीक्स पर चलती है तो ये गालों को नहीं काटती किसी भी कंडीशन में, और इधर भी ऐसा ही है, और फिर ये आराम से निकल जाता है, इजीली आराम से निकल जाता है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। निकल गया, निकल गया, देखिए आप निकल गया ना। अब देखो ये कैसे मूव कर रहा, काम कर रहा था, ये ऐसे कर रहा था, ये ऐसे काम कर रहा था, ये घूम रहा था बेसिकली, ये मोटर घूम रही थी, ठीक है ना भाई। एक बार तो मेरे को भी डर लगा, तो ये घूम रहा था यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना होता है अपने को, हम लोग इसको वापस लगा देते हैं, क्योंकि हमेशा लगना तो इसी को ही है, तो मैं इसको वापस लगा लेता हूँ।
आई एम बिट कंफ्यूज्ड। कोई बात नहीं जी, खटके की आवाज आएगी एक मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया जी, देखो हो गया ना। तो पहली बार तो देखो डर लगता है यार, क्या है कि अब चीज खरीदी है जबकि चीज ऑलरेडी अवेलेबल थी। अब इस पे क्या होता है, इसको लगा दो आप, ठीक है ना, और इसको लगाने का तरीका क्या है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आप लगा दो इसको। ये लो लग गया। अब ये इस तरीके से मूव करता है, ऐसे इस तरीके से मूव करता है। ये एक नंबर था, ठीक है ना, तो देखो बाल तो काटेगा ही, बिल्कुल एक नंबर पर है, ठीक है ना। दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है ये, ऊपर और नीचे। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो, तो आपको बहुत इजी है ये, ठीक है, बहुत इजी है। रबरी प्लास्टिक है, शानदार वाला ग्रिप बहुत अच्छी है। तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये इजीली हट गया। इसी तरीके से बाकी दो भी लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ भी दे रखी है। तो कोई इतना वो नहीं है, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। 4.3 वोल्ट, 0.5 वाट और एंड एवरीथिंग इज हियर। IPX7 की रेटिंग दे रखी है एंड मेड इन इंडोनेशिया भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी परफॉर्मेंस कभी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, अभी तो इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।